वेलकम बैक गाइस। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ। आई नो मैंने बहुत दिन लगा दिए थे, मैंने 2 हफ्ते से कोई वीडियो डाली भी नहीं थी। आई नो मेरे एग्ज़ाम्स आ चुके थे, मेरे को बुखार भी हो गया था और मैं वन पीस देखना चालू कर दिया था। एंड यू नो वन पीस एक बहुत अच्छा एनिमे है, तुम जाके ट्राई कर सकते हो यार। मैंने पता है एक दिन में कम से कम 40 एपिसोड देखे थे। मैं गियर 5 के बहुत ज़्यादा पास था और मुझसे रुका भी नहीं गया, तो मैंने वन पीस देखना चालू कर दिया था। जैसे कि हम देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ, वन पीस का नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुम वन पीस देखना चाहते हो। वैसे मैं भी वन पीस देखने लग गया था। ओ लन विद ऑक्सी मैंने न्यू ट्विटर निकाला, चलो यार ये भी सही है। तो ओके लेट्स गो टू व्यू योर चैनल एंड इसको ओके थोड़े वीडियोस। या यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने 2 हफ्तों से एक और भी वीडियो नहीं डाला है। दो हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, 14-15 दिन हो चुके हैं रिकॉर्डिंग के टाइम। रिकॉर्डिंग तो शायद मैं 2 दिन बाद ही डालूंगा वीडियो इसको रिकॉर्ड करने के बाद। एडिटिंग करना पड़ता है यार, समझा करो, थोड़ा मेहनत लगती है। तो ये इस वीडियो में मेरे को 1.5 की व्यूज़ आए यार, थैंक यू सो मच इसके सपोर्ट के लिए। फिर भी मेरे को 60 सब्सक्राइबर्स मिले यार, एक तो बढ़ा देते। वैसे अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं बढ़ा सकता हूँ। सो कैसे कर देते यार, मैं भूल गया यार, कुछ तो तरीका होता था। यप ये रहा। गाइस क्लोज योर आइज, यू डोंट हैव टू सी एनीथिंग हियर। सो यप इसको थोड़ा हम कर देंगे 1 कैप्स लॉक M एंड गाइस कैन यू सी आई जस्ट हैव 1 million subscribers, congratulations, oh my god, yay! सपना भाड़ में जाए, रिलोड करते हैं। ओके बैक टू 60 सब्सक्राइबर्स। तो मैं क्या बोला, 2 हफ्ते से मेरे को भी डाली नहीं लिया। मैं बताने वाला था, मेन मुद्दे पे आते हैं, इन सबको छोड़ो फालतू बात को। तो मैंने सोचा था कि मैं रेड डेड रिडेम्पशन 2 खेलूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो उस गेम के बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, व्यूज़ नहीं मतलब स्ट्रीम पे, IMDB 10 out of 9, 97%, ऑफकोर्स बहुत फेमस गेम है। इसका पहला पार्ट भी है, लेकिन मैंने ये सुना है कि रेड रिडेम्पशन पार्ट 1 को अगर हम खेलते हैं तो हमें स्पॉइलर्स मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेड डेड रिडेम्पशन 2 एक पहला पार्ट है जो प्रीक्वल है फर्स्ट पार्ट का। तो पहले ऑफकोर्स रेड डेड रिडेम्पशन 2 हम खेल सकते हैं इसका। यार ये तक नाम देखो यार, बोला नहीं जाता मुँह से। पर मैंने ऐसा सोचा था कि, पर मैंने फिर बाद में डिसाइड किया कि यार मेरे पास मेट्रो लास्ट क्या लिख रहा हूँ मैं ओके लास्ट लाइट भी पड़ी है खेलने के लिए। तो ये मेट्रो लास्ट लाइट यार ऑफकोर्स ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा ऑसम है, इसको तो हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। मैंने इसका पहला सीरीज़ पूरा यूट्यूब पर डाल चुका है ओके, तुम जाके उसको देख सकते हो। तो फिर मैं सोचा ये भी एक गेम है और मेरी एक और फेवरेट गेम है जो मैं खेलना पसंद करूँगा, जो मैंने पहले कभी खेली नहीं है, द फॉरेस्ट। स्पेलिंग को इग्नोर करें, द फॉरेस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं 10 out of 10 स्टीम पे इसकी रेटिंग्स है, 10 out of 10। इसके सेकेंड पार्ट भी रिलीज हो चुका है, सेकेंड पार्ट तो और भी ज़्यादा मस्त है, सन ऑफ द फॉरेस्ट ओके, ये वाला गेम 10 out of 9 है। जैसे आप देख सकते हैं इसका पहला पार्ट बहुत ज़्यादा पहले से चल रहा है, लेकिन उसका फिर भी उसकी अगर रेटिंग्स देखोगे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बहुत ज़्यादा 10 out of 10। तो ये वैसे मैंने ये भी सोचा था खेलूंगा, लेकिन मैं पहले खेलना पसंद करूँगा मेट्रो लास्ट लाइट बेस्ट, ये वाली गेम है। तो ऑफकोर्स क्योंकि इसका पहला पार्ट मैंने खेल चुका है, मैं सेकेंड पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, क्योंकि हमने पहले पार्ट में एलियंस को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा तो दिया था, लेकिन उसके बाद क्या होगा उसका हमें कोई भी आइडिया नहीं है। ओके सो मैं सोच रहा हूँ, गेम तो मैंने ऑलरेडी डाउन करके रखी है, रेड डेड रिडेम्पशन 2 मैं सोच रहा हूँ उसके बाद खेलूंगा। फिर द फॉरेस्ट भी है, सन ऑफ द फॉरेस्ट भी है। द फॉरेस्ट बेसिकली मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलनी थी, बट हमें वो गेम मिली नहीं। मैं वापस क्यों गूगल खोल रहा हूँ, ज़्यादा सी हो गई है। ओके सो बैक टू द बिजनेस, अब हम स्टार्ट करेंगे गेम खेलना। ऑफकोर्स पहला वीडियो हमेशा गेम के इंट्रोडक्शन के बारे में होता है, और ऑफकोर्स मैंने बहुत ज़्यादा बकबक कर लिए, तो क्या डायरेक्ट गेम को स्टार्ट करेंगे। ऑफकोर्स पहला वीडियो इंट्रोडक्शन में ही होगा, क्योंकि जिस तरह मैंने पहली वीडियो देखी थी पिछले गेम की, तो पहले हमको गेम का इंट्रोडक्शन ही दिया जाता है। तो ऑफकोर्स अब हम डिस्प्ले कैप्चर को करेंगे बंद और गेम कैप्चर करेंगे ऑन। सो हियर वी गो।
डीप सिल्वर। एंट्री बिल्कुल वैसे हुई है जैसे पहले गेम की हुई थी, सेम टू सेम। निवीडिया द वे इट्स मेंट टू बी प्लेड। यार इस गेम का इंट्रोडक्शन भाई पिछले गेम जैसा ही है। मेट्रोडिक्स इज इंस्पायर्ड बाई इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग। ओके हमने पहले भी पढ़ा रखा था। डेंजर गो टू इट, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, लेट्स गो। फोर इंजन, हाँ 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 इंट्रो देखो यार, फोर ए गेम्स सामने जो अभी दिख रहा। वेलकम बैक टू दिस गेम। ओ माय गॉड यार, हाँ कंटिन्यू पे हम अभी क्लिक नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने गेम को अभी चालू नहीं किया है। और सबसे पहले गेम को चालू करने से पहले तो मैं ऑप्शन पर जाके ये सब देख लूँगा कि मेरे लाइक सब कुछ यू नो एडवांस पे है कि नहीं। लाइक अगर मैं वीडियो जाके देखूँ, मुझे सब कुछ अल्ट्रा पे चाहिए। ओके ये हाई है, क्वालिटी वेरी हाई है ऑफ कोर्स। AF टेक्सचरिंग आई डोंट नो इसका मीनिंग क्या होता है, बट ठीक है। मोशन ब्लर नॉर्मल, हाई पे नहीं, नॉर्मली ठीक है। टेक्स्ट सिलेक्शन वी सिंक ऑफ, ओके एवरीथिंग इज इन गुड कंडीशन। सो अब हम न्यू गेम पे जाके इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। चैप्टर पे अभी इंट्रोडक्शन ही खुला होगा हमारा, बाकी सारे मिशन बंद पड़े हैं। तो क्या तुम न्यू गेम पे जाऊंगा तो गेम चालू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले न्यू गेम पे शायद मेरा पहला मिशन चालू होगा या फिर इंट्रोडक्शन दिखाएंगे, आई डोंट नो। लेकिन मैं चैप्टर से शुरू करूंगा इंट्रोडक्शन से। सो यप लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द गेम, हियर वी गो, 1 2 3 एंड लेट्स गो। आई एम सो एक्साइटेड गाइस, आई होप आप भी होंगे। ओके लेट्स स्टार्ट। When asked how it all started, I always tell that it all began that day when we went to Botanical Gardens. We, meaning yours truly, and two of my friends. Whose idea was it to visit the abandoned station? Who persuaded the others to go? I always tell them that I don't remember. I always lie. It is a safe lie. Or there is no way to ascertain the truth. Both Vitaly and Eugene are dead now. The massive airlock doors shrugged and opened with a grinding sound, opening a road to hell for us and a road into the metro for the demons. But in fact, it all started that day when Mother said we should take a walk in the Botanical Gardens and go there by metro. I remember how we took a short escalator to the surface, how we exited a spacious glass pavilion and saw a street buried in green. I remember the small clouds moving across the limitless sky and soft, cool wind on my face. Mother bought me an ice cream. That was the last time I tasted it. That day, humanity was executed. The righteous and the sinful were called to be rendered according to their deeds. And we hid from God's sight in the metro. And we were saved from his wrath. And he apparently decided that flushing us out wasn't worth the trouble. Then he went about his business, or perhaps died. While we stayed on this used up and discarded earth and continued just going with it. Going nowhere. I remember so many random, unnecessary things, yet I don't remember the most important one. My mother's face. She died very soon after the war started. All that remains of her is that day in the gardens. How I wished I could recall her face. The way she looked at me. The way she whispered that I have nothing to fear. Sell my soul just to recall that. I'd do that any day, any time. And I did. All right, जितना मैंने स्टोरी समझा मुझे इतना समझ आया कि ये जो स्टोरी है ये शायद आर्ट्यूम से कंटिन्यू होगी या फिर किसी एक बच्चे के बारे में या फिर ये आर्ट्यूम की बैक स्टोरी के बारे में हमें दिखा रहे हैं। ये गेम खेलने के बाद ही पता चलेगा कि अब ये हो क्या रहा है इस गेम में। जब पहले पहला पार्ट हमने जो खेला था उसके लास्ट पार्ट में जैसे कि आपको याद है हमने एलियंस को या फिर मॉन्स्टर्स को या फिर हम जो भी इसको बोल सकते हैं डीमंस एंड ऑल, उसका हमने न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा दिया था। मेरे को लगता है कि वो सब लोग नहीं मरे हैं क्योंकि तभी तो सेकेंड पार्ट आया। कोई ना कोई रीज़न तो होगा सेकेंड पार्ट को लाने का, कोई ना कोई तो स्टोरी होगी, उस स्टोरी के बारे में हम जानेंगे। ओके
तो ये था पहला पार्ट इंट्रोडक्शन गेम का। आई होप सबको पसंद आया होगा एंड आगे देखेंगे कि हम स्टोरी को जानने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। Keep it going, I'm rolling and flowing, I'm coasting, I got them all trolling me right. I just keep growing and showing them, knowing I'm owning this flow, you can catch me outside. Gonna get them all with a little payback, never gonna fall, I'ma stay on the attack. Put them up against the wall as I finish every track, never gonna stall, no, I'm never gonna slack. I've been like working and learning and searching for something to push my shit over the edge.